नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश हलवाई और आज मैं आपको बताऊंगा काजू की बहुत ही फैंसी मिठाई काजू डायमंड, जो आपको एकदम फिनिशिंग यानी कि जब आप कटिंग करेंगे तो उसमें फिनिशिंग भी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम केसर को भिगोएंगे। ये हमने एक डब्बी केसर भिगोया है गुलाब जल से, आप चाहें तो गर्म दूध में भी भिगो सकते हैं। और हम काजू की किसी भी मिठाई में गुलाब जल का ही इस्तेमाल करते हैं काजू का माल तैयार होने के बाद, क्योंकि पानी लगाने से जल्दी ख़राब हो जाता है। ये हमने काजू का 2 किलो तैयार माल लिया है और इसमें हमने केसर कलर लगाया है और ऊपर से जो हमने भिगो के रखा था वो केसर लगाएंगे। केसर हमने काफ़ी मात्रा में लिया है। और ये हमारा जो काजू का माल है ये नॉर्मल अभी गर्म है, तो इसलिए हम कलर मिला रहे हैं। और ठंडा होने के बाद आप कलर मिलाएंगे ना तो काजू की मिठाई में शाइनिंग नहीं आती है और कालापन आ जाता है। तो अभी ये हमारा नॉर्मल गर्म है, काफ़ी अच्छे से कलर मिक्स हो गया है। इसमें हमने तले हुए 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम तले हुए बादाम, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम पिस्ता। आप चाहें तो पिस्ता कम भी डाल सकते हैं 50 ग्राम, क्योंकि महंगा रहता है, और अखरोट भी आप चाहें तो 50 ग्राम डाल सकते हैं। और आपको अखरोट नहीं डालना है, अखरोट और पिस्ता तो कोई बात नहीं है, इसे न डालें। अखरोट को हमने थोड़ा बारीक किया, लेकिन ये सभी फ्राई किए हुए हैं, देसी घी में फ्राई किए हुए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम काजू डायमंड बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट होना चाहिए। और काजू का माल है ना, थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए। अगर काजू की मिठाई आप कोई भी बनाते हैं तो इसकी तैयारी आप करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। जो भी आपको काजू की मिठाई के लिए सामान लगता है वो मैं पूरा एक वीडियो में डाल दूंगा। ये देखिए, ये कट के हमने किया है, 40 ग्राम का एक कट का है ये, यानी कि गोले हमने 40 ग्राम के तोड़े हैं एक गोले, क्योंकि हम 100 ग्राम का एक पीस बनाएंगे, उसमें से 4 पीस होते हैं। तो ये हमने केसर कलर के 40 ग्राम का एक कट का तोड़ा है। इसमें हमने फुल ड्राई फ्रूट डाला है, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और केसर भी डाला है, और इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। और हम इसको फुल हाइजीनिक के साथ बना रहे हैं, इसे ड्राई फ्रूट डायमंड बोलते हैं। और ये सफ़ेद काजू का तैयार माल है, तो इसके भी हम गोले 30 ग्राम के ही तोड़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अंदर हमें ज़्यादा मात्रा में दिखाना है केसर कलर, तो उसके गोले ज़्यादा बड़े होने चाहिए। उसके बाद हमने ये ग्रीन कलर ऐड किया है हल्का सा, आप ड्राई फ्रूट में एकदम लाइट कलर इस्तेमाल करें। वो भी गोला आपको दिख रहा होगा काफ़ी छोटा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा गोला हमें केसर कलर का रखना है। आप सोच रहे होंगे आप उल्टा तो उल्टा ही रखना है, अंदर की जो भी हम माल डालेंगे वो ज़्यादा दिखना चाहिए। और इसे हम ग्रीन में अंदर भर देंगे। ये देखिए, आपको अच्छे से भरना है एक ही लेवल में, क्योंकि कटिंग के बाद ये सभी तरफ सेम दिखना चाहिए। यहाँ पे हमको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो हम आपको 3 ही पीस बना के बताएंगे। उसके बाद हम व्हाइट वाले में
इसे अच्छे से पैक करेंगे। और हमने काजू की बहुत सारी फैंसी मिठाई अपलोड की हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, मकाई, काजू अमेरिकन स्वीट, काजू मैसूर पाक, बहुत सारी काजू की वीडियो अपलोड किया है, काजू पान, चॉकलेट कैंडी। अब इसको गोल करके आपको एकदम गोल टिक्की के जैसा दबाना है और एकदम गोल सर्कल बना लेना है। इसी तरह से हमें अपनी सारे काजू डायमंड बना लेना है। ये देखिए काफ़ी मात्रा में ये हमारा पूरा काजू का तैयार माल है। और ये काजू कतली, और ये हमारा तैयार होने के बाद हमने इसको 2 से 3 घंटे रखने के बाद, यानी कि फिनिशिंग अच्छे से सेट हो जाता है, तो इसके लिए हमने इसको छोड़ दिया था। अब इस पर हम बर्क लगाएंगे। तो बर्क लगाने का भी यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बर्क इस्तेमाल करना है या कम इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। ये देखिए इस तरह से आप बर्क कम इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर आपको पीस को डायमंड को अच्छे से वर्क लगाना है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। एक वर्क में पूरा एक पीस अच्छे से लपेट दें तो चारों तरफ वर्क लग जाएगा, ये भी बहुत ही शानदार पीस बनेगा। तो हमने सभी पीस पे वर्क लगा लिया है अच्छे से। अब हम आपको कटिंग करके बताएंगे थोड़े से पीस की। ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त निकला है, बहुत ही शाइनिंग वाला हमारा पीस है। ऊपर से हम केसर कलर का टीका लगाएंगे इस पर। इसी तरह से आपको सारे पीस कट कर लेना है। ये देखिए अब आप नज़दीकी से देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। और हम चौकी में इसे अच्छे से लगाएंगे बटर पेपर लगाने के बाद। तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा काजू डायमंड का शो आ रहा है। ये देखिए